ओके चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस की थी और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के बाद मैंने कुछ असाइनमेंट दी थी आपको करने के लिए। सबसे पहले असाइनमेंट नंबर सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 2 के डाउट्स से शुरू करते हैं। उन डाउट्स के बाद उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे उस असाइनमेंट में जिसमें लॉग के फॉर्मूलाज या फिर कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज लग रहे थे, मैंने उन क्वेश्चंस को करने से मना किया था, तो उसको हम अभी आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आज डिफरेंशिएशन क्लोज होगी, नेक्स्ट टाइम से इंटीग्रेशन होगी एंड देन विल स्टार्ट विद फिजिक्स चैप्टर्स। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, इसमें तो कुछ नहीं आएगा। बोलो ओके बोलो नीचे रख दो इसके नीचे। देखो स्टार्ट करते हैं विद सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 2। सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 2 तो देखो जरा कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। किसी का लास्ट लेक्चर मिस और आया हो, सब लेक्चर कंप्लीट है ना? ठीक लगाया नहीं लास्ट लेक्चर? ओके मुझे शीट देना एक मिनट। हाँ क्वेश्चन नंबर बोलो 12B। और क्वेश्चन जिनको डाउट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और हो गई ठीक है। और कुछ करें स्टार्ट? ठीक क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का हिंट मैंने लास्ट टाइम करवाया था जिसमें मैंने बस जान के 2 की जगह 7 कर दिया था, क्योंकि मैं 2 करता फिर आप प्रैक्टिस ना करते। तो मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ मुझे करना है एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन है और मैंने कहा था इसको यू पॉन वी का फॉर्मूला लग सकता है, पर इसकी जगह हम क्या करेंगे इसे रैशनलाइज, इसे इजी करेंगे। तो मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा साइड पे लिखते हैं, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। ये ए माइनस बी ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लो ये स्टेप सबने किया ठीक, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। इसे ओपन करेंगे तो यहां से ये कैंसल, यहां से ये कैंसल, 2x माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो टर्म आएगी इसको रैशनलाइज करके एक छोटी टर्म आ गई। तो अब आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो हाफ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो हाफ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो हाफ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में हम इसको रेज टू पावर हाफ लिख सकते हैं, तो हाफ ये 1 हो गया, पावर नीचे और एक पावर क्या कर लेते हैं इसमें कम, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हाफ 1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा और माइनस 0। कोई डाउट इसमें? तो सेम क्वेश्चन है, रैशनलाइज करके इजी बना लिया, हाफ कॉन्स्टेंट आ गया,
डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। ये पुराना क्वेश्चन हो गया, पावर नीचे एक पावर कम करेंगे और फर्दर डेरिवेटिव। हाँ यू कैन डू इट विद नॉर्मल यू एंड वी मेथड। लंबा आंसर सेम, मुझे देखने में सेम नहीं आएगा बट मेथड करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक नहीं ऐसा नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा मैंने बताया, बट इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, डोंट वरी। मैंने क्या बताया, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मेरे बनाए हुए अपने क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ आपका हाथ तेज चलना चाहिए, आपका एक ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, वो एक्सरसाइज बस नेक्स्ट एक लेक्चर और लगेगा इंटीग्रेशन का, उसके बाद फिर नॉर्मल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक तो आप फील करोगे उस टाइम, मैं आपको आज दिखाऊंगा भी एग्जांपल आने वाले टाइम में कैसे लेक्चर आएंगे और कैसे कैलकुलस की हेल्प से आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको एकदम चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ तक क्लियर है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थ्री के बाद एट। क्वेश्चन नंबर एट के अंदर गिवन S is equal to UT plus half AT square, तो S की वैल्यू हमें इसमें गिवन है, S की वैल्यू इज UT plus half AT का स्क्वायर, वेयर U एंड A आर कॉन्स्टेंट्स। तो आपको क्या निकालना है, ds by dt, तो क्यों ना ऐसा करें, d by dt of S, S की जगह पुट कर लेते हैं UT प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो डी एस बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म। ये लो, यू इज अ कॉन्स्टेंट, डी टी बाई डी टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी का स्क्वेयर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो यू और ए दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, यू इसकी वैल्यू वन, हाफ ए तो इसकी वैल्यू कितनी, 2 इंटू टी की पावर 1 आंसर। तो u प्लस ए इंटू टी इज द आंसर, कितने लोगों का आ गया ये। ठीक है पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे करना है, u और a अगर कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8 के बाद 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने किया था तो मैंने बताया था कि x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y की वैल्यू कितनी है, बी टी क्यूब, और हमने क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप जिसने डाउट पूछा देखो जरा, y की जगह आप बी टी क्यूब पुट कर लेना, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, b इज अ कॉन्स्टेंट, डी वाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, t का क्यूब, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी इज अ कॉन्स्टेंट, थ्री टी का स्क्वायर इन टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ आके फंस जाओगे, बताया था मैंने क्या कॉन्स्टेंट गिवन है, अच्छा लिख लो, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो मैंने स्पेशल लिखवा दिया था ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है तब ठीक है, तो आपको डी टी बाई डी एक्स चाहिए, तो क्यों ना ऐसा करें, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर में डी एक्स बाई डी टी निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ x, x की जगह पुट करते हैं ए टी स्क्वायर, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ए इज अ कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी, ए इज अ कॉन्स्टेंट, टू इन टू टी दैट इज टू ए टी, लेकिन हमें क्या चाहिए, डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो मैंने बताया था इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो 3b t स्क्वायर इनटू dt by dx की जगह 1 by 2 टाइम्स a इनटू t, दैट इज 3b t डिवाइडेड बाय 2 इज द आंसर। ठीक तो रेसिप्रोकल करके डाल देना, आपके पास आंसर आएगा। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मैं आपको एक और छोटा तरीका भी बता सकता हूँ मैं से इसका, अगर आपको याद रह जाए, एक और इसका सब्सटीट्यूट मेथड कह लो, कईयों ने शायद ऐसा किया भी होगा या सोचा भी होगा, मुझे मालूम नहीं, बाकी ओ, मैंने यहाँ बिठा दिया यार, डाउट द्वारा पता नहीं, देख लेना द्वारा पूछ लेना। तो x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू बी टी क्यूब, राइट। इसका एक और मेथड है,
ऐसा करो, इसको ना यहाँ पे dx बाई डी टी निकाल लो, क्योंकि दोनों में टी इज अ वेरिएबल, तो क्यों ना ऐसा करें dx बाई डी टी में d बाई डी टी ऑफ x की जगह ए टी स्क्वायर, तो dx बाई डी टी विल गिव a इज अ कॉन्स्टेंट और टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन इज 2t, तो dx बाई डी टी की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी 2at, इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया। फिर एक काम करो, यहां पर dy बाई डी टी निकाल लो, x मत निकाल लो, t निकाल लो, क्यों, क्योंकि t इज अ वेरिएबल, तो डी वाई डी टी ऑफ वाई की जगह वैल्यू पुट कर ले बी टी क्यू, तो यहां से डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू बी इज अ कॉन्स्टेंट 3t स्क्वायर, दैट इज डी वाई बाई डी टी विल गिव 3bt स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करें, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, कैसे, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है डी वाई बाई डी टी, और यहां पर क्या है डी एक्स बाई डी टी, राइट, और राइट हैंड साइड पे 3bt स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए टी। ठीक, तो डी टी से डी टी क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स सीधा आपको आंसर देगा 3bt बाई 2a, क्योंकि टी से टी भी क्या हो गया कैंसल। क्या बोलते हो, वो मेथड ठीक है कि ये भी ठीक है, वो पहले वाला ठीक है, ये ठीक है, ये आसान है, चलो जो आपको पसंद है आप कर सकते हो। और क्या आएगा मुझे खुद नहीं पता क्या आएगा पेपर में, क्योंकि कैलकुलस एक ऐसी चीज़ है वो किसी को थोड़ा पता क्या आएगा। ठीक, बस आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना ही मुझे चाहिए इस टाइम, आपको बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर, मैंने जो मिटा दिया शायद, कोई देखना, इससे पहले कुछ मार्क था नहीं, चलो 11th के बाद पूछ लेना, 11th पहले कर लेते हैं, 11th मुझे लगता है मैंने किया हुआ है। क्या 11th क्वेश्चन लास्ट लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था? अच्छा, तो डाउट है किसको डाउट है अभी, ये डाउट है, तो एक काम करना चाहते हो 2 मिनट रुक के जाना, फिर आप बाकियों को क्लियर है, आपको भी डाउट है, अच्छा फिर 2 मिनट में देख ही लो, मैं 2 मिनट लिखा तो हुआ है ना, आपने नोट तो किया हुआ है, मैं 1 मिनट में करके दिखाता हूँ आपको, फिर ये लो, एक मिनट लगाऊंगा, ध्यान से देख लेना। सेकंड मेथड से कर दूं अगर ये पसंद है तो, छोटा पहले से कर दूं, अच्छा वो ठीक है, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, ओपन करो ए थीटा प्लस ए इंटू साइन थीटा, वाई की वैल्यू क्या गिवन है ए माइनस ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ऐसा करते हैं इसके अंदर dy dy डिवाइडेड बाई डी एक्स करते हैं, तो एक काम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह रिप्लेस करो a माइनस ए इंटू कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स वॉज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या थी 0, ए इज अ कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी माइनस साइन थीटा इनटू एंगल की अलग से डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी ए साइन थीटा इनटू डी थीटा बाय डी एक्स, ठीक है, बिकॉज इसमें थीटा इज अ वेरिएबल, तो थीटा के हिसाब से काम करेंगे, तो ये 1 नहीं हो सकता, राइट, ऐसे छोड़ दें। अब एक काम करते हैं, एक्स पता है तो हम यहां से डी एक्स बाय डी थीटा निकाल लेते हैं, इसका उल्टा, उल्टा क्यों, क्योंकि थीटा का वेरिएबल, तो एक काम करते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स की जगह पूरा रिप्लेस करो ए थीटा प्लस ए इंटू साइन थीटा, तो यहां पे डी एक्स बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू ए इज अ कॉन्स्टेंट डी थीटा बाई डी थीटा, ए इज अ कॉन्स्टेंट डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो यहां से डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आएगी ए और इसकी डिफरेंशिएशन 1, और यहां से क्या आएगा कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी थीटा तो 1 ही है, तो यहां से रेसिप्रोकल लेंगे डी थीटा बाई डी एक्स का, जो कि 1 बाई ए प्लस ए इंटू कॉस थीटा, इसको उठा के यहां पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी कैलकुलेट। ठीक, तो मेथड क्लियर है यहां तक, तो उसी तरीके से करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, तो आपको स्टार्ट डी वाई बाई डी एक्स से करना है, रास्ते में डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा,
तो dx by d theta को निकालो, reciprocal लोअर पुट कर दो, कोई डाउट? ठीक है यहां तक? 11 के बाद बीच में कोई क्वेश्चन था किसी का? 12th में, 12th क्वेश्चन का बी पार्ट कितने लोगों ने को डाउट है? 12th का बी पार्ट मैं करूं सॉल्व? बोले क्यों नहीं, फिर बोला था यहां पे लिखवाया था, अच्छा ठीक है ओके। तो 12th क्वेश्चन का ए या बी पार्ट जो भी करवाना है कोई बात नहीं, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो 12th का बी पार्ट में कितने लोगों का ठीक है मुझे जरा बताना प्लीज, स्टेप चेक करके। d by dx ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, ये लो ठीक, ये क्वेश्चन है। तो ये बताओ कि कितने लोगों ने इस पे पावर रूल लगाया और कितनों ने ये रूल लगाया कि d by dx ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन x इज अंडर रूट ऑफ cos x, क्यों साइन का कॉस होता है ना, तो यहां भी तो ठीक है साइन का कॉस कर दो। नहीं नहीं ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डिफरेंस है डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंस, देखो सबसे पहले साइन ऑफ रूट एक्स की होल पावर क्या गिवन है? हाफ। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे सोच रहा है कि मैं हाफ को भूल जाऊंगा देखूंगा नहीं और सीधा d by dx को अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा और वो cos बना दूंगा, तो उसकी गलती है, अंडर रूट के अंदर d by dx नहीं जा सकता। तो जब तक ये पावर सेटल नहीं होगी ना आपकी, ये जो पावर है हाफ, तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ये देखो इस पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है, हाफ। तो क्या लगेगा इसमें? पावर रूल। ठीक, पहले हाफ सेटल करें। पावर रूल क्या कहता है? होल पावर कितनी है? हाफ। होल पावर में साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स की होल पावर हाफ माइनस वन, सही। तो यहां पर पावर नीचे, इसकी होल पावर कितनी? हाफ माइनस वन। ठीक, इनटू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब एक काम करते हैं, इस पावर पे अगर हाथ रखा जाए तो क्या देखने को मिलेगा? साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। देखो अगर तो आप इसको देखते जाओगे ना, आपका क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा, तो देखना ही नहीं आपको, बस मेरा हाथ देखना है, ब्रैकेट देखनी है, इसकी पावर क्या है? हाफ। इसको नहीं देखना, हाफ नीचे, मेरे हाथ के नीचे कुछ भी हो है तो ब्रैकेट के अंदर ही ना, तो उसको ऐसी ऐसी रिप्लेस करो। और होल पावर क्या कर दोगे? हाफ माइनस वन। फिर उसके बाद हाफ पे हाथ रखो, जो भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डी बाई डी एक्स साइन ऑफ रूट एक्स, उसको लिख दो। पावर रूल यही होता है ना, कोई डाउट इसमें? अब दिख रहे हैं, क्लियर है सबको यहां तक? देख लो ठीक है ना। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए ना, ये साइन है जी, ये तो रूट एक्स है, मैं कैसे पावर रूल लगाऊं, कुछ नहीं देखना आप, ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी टर्म है उसकी सबसे पहले पावर है। पावर का रूल जब तक नहीं लगेगा, पावर नीचे नहीं उतरेगी, आप अंदर डी बाई डी एक्स को लेके जा ही नहीं सकते। सबसे पहला काम यह है कि आप क्या करें, इसमें पावर को नीचे उतारें, एक पावर कम करें और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये करें। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाफ साइन ऑफ रूट एक्स होल रेस टू पावर माइनस हाफ इनटू। अब ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन आ रहा है, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ क्या क्या आ रही थी? पहले पावर आ रही थी, तो साइन के आगे जो भी टर्म है वो क्या मानी जाती है? इसका एंगल। अब एंगल कुछ भी हो, एंगल से आपको लेना देना नहीं है। तो साइन ऑफ सम एंगल कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ सेम एंगल इनटू 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 डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। एंगल की डिफरेंशिएशन भी तो एंड में करनी पड़ेगी। देखो ये क्वेश्चन तो पुराना है जो हमने कल किया था, लास्ट लेक्चर में किया था। तो साइन ऑफ सम एंगल इज कॉस ऑफ सेम एंगल इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल। तो इसके अंदर हाफ इनटू साइन ऑफ रूट एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ कॉस ऑफ रूट एक्स इनटू हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। तो अंडर रूट का मतलब हाफ है, हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, इसी आंसर को डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, सही? तो सबसे पहले ब्रैकेट में चाहे साइन हो कॉस हो कुछ भी हो,
अगर आपको सबसे पहले इसकी पावर दिख रही है तो पहले पावर रूल ही लगेगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है यहां तक? पूछो पूछो। किसको? यहां पे क्या करूं? x की पावर हाफ, कोई बात नहीं, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ, हाफ इंटू x में माइनस हाफ लिख लो। रूट और हाफ में कोई फर्क नहीं होता, जो मर्जी जो इच्छा है, दोनों ठीक है। ठीक यहां तक? ठीक। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कहा था आपने? 16th का फोर्थ पार्ट। 16th का फोर्थ पार्ट कितने लोगों से हो गया? अच्छा ठीक है, पावर रूल लगाया होगा आप लोगों ने, है ना? तो इसमें देखने में ही है, ये है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो इसको ऐसे किया जा सकता है, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x रेस टू पावर 3 बाई 2 माइनस 4 x रेस टू पावर 5 बाई 2। ये क्वेश्चन है। तो d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म ऊपर ले जाते हैं तो अंडर रूट को ऊपर लेके जाएंगे माइनस हाफ, प्लस 2 इज अ कॉन्स्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू पावर कितना माइनस 3 बाई 2, 2 को बाहर निकाल दिया, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर माइनस 2, माइनस 4 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू पावर कितना माइनस 5 बाई 2। ठीक है, तो x की टर्म को नीचे की बजाय ऊपर ले गए। अब आपके पास क्या आएगा? पावर रूल, पावर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर हाफ नीचे, x की जितनी भी पावर है 1 कम प्लस 2 इंटू माइनस 3 बाई 2 एक्स रेस टू पावर माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 बाई 2 इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस 5 बाई 2 माइनस 1। कर लोगे सॉल्व? ठीक है, पावर रूल है, पावर नीचे उतार के एक पावर माइनस करनी है, दैट्स इट, खत्म। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17th का जो क्वेश्चन है, 17th कितने लोगों ने ट्राई किया और 17th में x को x से कैंसिल कर दिया? अच्छा, नहीं तो नॉर्मली लोग कर देते हैं। तो क्या लगाया फिर? कितने लोगों ने u अपॉन v लगाया? सही लगाया। इरा, इरा, निहारिका, प्रथम, विश्वास, यजुस, युवराज। ओके, मैं एक मिनट के लिए इसको करना चाहता हूं, कहीं गलत ना कर देना। d by dx of sine of angle divided by angle। तो वैसे बता दूं, जैसे sine of 60 divided by 2 का मतलब ये नहीं है कि sine of 30, मतलब sine of 60 की जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, इसको u लिया होगा, इसको v लिया होगा, तो x v d by dx of numerator माइनस न्यूमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर इज आंसर। क्या पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक, ओके। एक्स इंटू कॉस एक्स, इट्स ओके। नहीं, कैन यू राइट 2 इंटू कॉस ऑफ 60 एज कॉस ऑफ 60 का स्क्वायर? नहीं नहीं नहीं, है ना? तो x है तो फिर x का स्क्वायर कैसे नहीं हो सकता? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 डाउट। कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है और लगता है कि उनका ठीक है? ठीक लगता है। तो कितने लोगों ने पहले पावर रूल लगाया है? नहीं, पावर रूल लगाया है, पावर रूल लगाया है, ओके। कितने लोगों ने सीधा कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया? करके देखते हैं, आधों का ठीक है आधों का गलत है। देखो, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन इज कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। मुझे सिर्फ ये बताओ, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले आपको कॉस दिख रहा है,
क्या आपको ऐसा लग रहा है कि cos की होल रेस टू पावर कुछ है? नहीं है। तो इसका मतलब कि cos जैसी आपको दिखा, इसके आगे कुछ भी दिख रहा हो यार, तुमने देखना ही नहीं, अपना हाथ रख लो, बस ये बोलो कि एंगल है। तो cos ऑफ कुछ भी एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन ऑफ सेम एंगल जो आपने अभी यहां पे हाथ रखा था, सेम टू सेम कर दिया, इनटू इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ एंगल। एंगल कितने हैं? अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। ये स्टेप समझ में आया? मतलब cos ऑफ ये पूरे का पूरा एंगल इज माइनस ऑफ पूरे का पूरा एंगल, साइन ऑफ पूरा एंगल इनटू डी बाय डीएक्स ऑफ एंगल। ये लो, पहला स्टेप क्लियर। नेक्स्ट इज माइनस साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इनटू। अब आपको साइन पहले दिख रहा है कि रूट पहले दिख रहा है? रूट ही दिख रहा है ऑब्वियसली। रूट का मतलब क्या होता है? रेज टू पावर वन बाय, तो पूरे ब्रैकेट का हाफ चल रहा है, तो क्या लगेगा अब? पावर रूल, क्योंकि जब तक पावर, क्योंकि डी बाय डी एक्स अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर होल रेज टू पावर हाफ है, तो हाफ इंटू साइन ऑफ रूट एक्स होल रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ। हाफ पे हाथ रखेंगे तो क्या दिख रहा है? साइन ऑफ रूट एक्स। ये स्टेप क्लियर है? तो इसके अंदर कॉस ऑफ एंगल, जो भी एंगल है, उस एंगल को यहां पुट किया, उस एंगल को यहां पुट किया, यहां पर, यहां तक तो ठीक है। पावर रूल लग के हाफ इनटू ये जो भी ब्रैकेट है उसका रेज टू पावर माइनस हाफ इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। क्लियर? फिर माइनस साइन ऑफ रूट एक्स तो एज इट इज इनटू हाफ इनटू साइन ऑफ रूट एक्स होल रेज टू पावर माइनस हाफ। साइन के आगे जो भी एंगल है, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन के आगे जो भी एंगल है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल भी तो आएगा ठीक। और लास्ट क्वेश्चन इसको भी करना पड़ेगा, पावर नीचे एक पावर, ये तो आपको आता है करना। मतलब इसमें डिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के अंदर एक और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के अंदर एक और डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? चेन रूल। इसमें क्या लग रहा है? चेन चल पड़े डिफरेंशिएशन के। कोई डाउट है इसमें? आपको स्टेप्स क्लियर है इसमें? बोलो, ठीक है, लिख लो, ठीक है। ये असाइनमेंट किसकी है? ये असाइनमेंट किसकी है? अच्छा, आपकी है, ठीक। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक हम अभी तक ना सिंगल डेरिवेटिव ले रहे हैं। सिंगल डेरिवेटिव का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना। आज हम सीखेंगे दो बार डिफरेंशिएट करना, कि एक बार करने के बाद दो बार डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो वो सीखने के बाद मैं आपको एंड में बताऊंगा, मोशन की एग्जांपल्स लेके बताऊंगा कि जब गाड़ी चलती है तो फिजिक्स में एक्चुअल में दो बार डिफरेंशिएशन काम आती कैसे है। पर पहले सीखेंगे दो बार डिफरेंशिएट कैसे करना है, फिर लगा के देखेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको, मुझे एक लाइन का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको एग्जैक्ट देना है, और वो क्वेश्चन लिंक है मेरे पहले लेक्चर का पहला क्वेश्चन, न्यूटन की प्रॉब्लम। अगर आपको वो समझ में आ गई, एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बस ठीक, नई तरफ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक। तो पहले सीख लें, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? ओके। दो बार डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है और कैसे करना है, इसको देखते हैं। देखो, देखो, सबसे पहले सपोज करो आपको y की वैल्यू गिवन है x रेज टू पावर 8, ठीक, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन है, और मेरा क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो, तो y की वैल्यू x की पावर 8 और मुझे dy by dx निकालना है। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया कि अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो क्यों ना इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, तो d by dx ऑफ y की जगह कितना? x की पावर 8। ऐसे करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 into x की पावर 7। कोई डाउट इसमें? ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
मैं आपको एक और नई चीज सिखाता हूं। सपोज आपके पास कोई एक इक्वेशन है, इक्वेशन समझते हो इक्वल टू लेफ्ट और राइट की टर्म बराबर है, ठीक। फिजिक्स या मैथ्स का रूल है कि अगर आप इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेते हो, दैट इज रेट ऑफ चेंज लेते हो, तो आपको इस इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए राइट साइड का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे इस इक्वेशन में हम ऐसे बोलेंगे, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। कैसे? अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेट अस सपोज डी बाई डी एक्स लगाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब कि डी बाई डी एक्स लगा दिया लेट अस सपोज विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो मुझे इसके राइट साइड पे भी डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन इक्वल ही मानी जाएगी। मतलब आप ऐसे लिखें या आप डेरिवेटिव लगा दे दोनों साइड पे, बात एक ही है। वैसे ही पता लग ही रहा है वन इज इक्वल टू वन, तो इक्वेशन अभी भी मेंटेन रहेगी। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू y के इक्वल है और मैं अगर इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करता हूं x को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी टाइम से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बिल्कुल बराबर मानी जाएगी। तो अगर x y के इक्वल है तो इनकी डिफरेंशिएशन दोनों तरफ की वो भी इक्वल है। ये नहीं हो सकता कि आपने यहां x t लगाया तो यहां पर x लगा दिया, ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड d बाई डी टी है तो राइट हैंड साइड भी d बाई डी टी है। क्या ये रूल क्लियर क्लियर है? फिर देखो, अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू x की पावर 8 और मुझे क्या निकालना है dy बाय dx, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं जो अभी मैंने अभी आपसे पूछा। मैंने आपको पहले क्या कैसे सिखाया दो लेक्चर में कि आपको dy बाय dx निकालना है, तो y की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पुट करके आंसर सॉल्व कर दो। आज से ऐसे नहीं करेंगे, आज से ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे डी बाई डी एक्स लगा दो, तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? अब चेक कर लो, एक ही बात है, आपको आता है। ये सेम स्टेप तो लिख रहा हूं मैं यहां पे, मतलब इस समझने के दो तरीके हैं। या तो ये तरीका है कि dy by dx निकालना था और मैंने y की वैल्यू x की पावर 8 पुट कर दिया, या तो ऐसे ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि आपको इक्वेशन गिवन है, आपने दोनों तरफ d by dx d by dx लगा दिया, तो भी एक ही बात है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पर आपको ये रूल आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करूंगा आने वाले टाइम में। क्लियर है यहां तक? तो बस आंसर सेम आएगा, dy डिवाइडेड बाय dx विल गिव 8 इनटू x की पावर कितना 7। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? सिंपल है, एक इक्वेशन लिखो, उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, आंसर आएगा। ठीक ठीक है, ओके। तो मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे दो क्वेश्चन करके दिखाओ इसके बेस पे। ठीक, पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल, इफ y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। लो, जीरो आएगा ही नहीं, राइट हैंड साइड जीरो आएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो टर्म्स आएंगी। इक्वल टू करके करो, कितना देखो, कोई बात नहीं। तो काफी लोगों ने अलग अलग तरीकों से, मैं देख रहा हूं, कर रहे हैं। पहला तरीका लोगों ने क्या किया, y को एक तरफ रख लिया और x square और x और 1 को एक तरफ रख लिया, ठीक है, सही किया। फिर उसके बाद इक्वेशन दिखी उन्हें, इस तरफ d by dx लगा दिया और इस तरफ भी d by dx लगा दिया, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ गया, तो उनका dy by dx की वैल्यू स्ट्रेट वे कितनी आ गई, 2x प्लस 1, क्योंकि ये 2x देगा, ये 1 देगा और ये 0 देगा। आंसर सही है, बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आ गया?
बहुत बढ़िया, मैं कईयों को देख रहा था वो ऐसे भी कर रहे हैं, y माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, उन्होंने यहीं पे लगा दिया d बाई डी एक्स, वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन, कहीं सीधी इक्वेशन पे लगाया, कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट टर्म के डिफ्रेंसिएशन माइनस सेकेंड टर्म के डिफ्रेंसिएशन वन और थर्ड टर्म की कितनी 2x, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो dy by dx की वैल्यू उनकी भी कितनी आ गई 2x plus 1, बिल्कुल सही है, कोई डाउट इसमें? तो आपको ये रूल समझ में आ गया इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने वाला। फिर एक क्वेश्चन करो, आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 2 जो भी हम कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 15, सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 करना प्लीज। सेम आंसर सभी का, पूरी क्लास का सेम आंसर आया है, आपका भी सेम आंसर आया। डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो और राइट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो मतलब एक जगह रखो ना उसे, दिखाना उसे, दिखाओ। देखो मैं डिस्कस करता हूं, हो सकता है मेरा चेक करने में जल्दबाजी में हो भी गया हो, मुझे लगता नहीं है कि एक, मैं बार बार देख रहा हूँ काफ़ी कॉपियों में गलती है, फिर भी जिसने वो गलती नहीं की हो मुझे बताना प्लीज़। आपका क्वेश्चन है इक्वेशन बोलना, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, राइट, ये क्वेश्चन है और आपको इस इक्वेशन को क्या निकालना है dy by dx, स्टार्ट। काफी लोगों ने ऐसा किया d by dx of left hand side is equal to d by dx of right hand side, और काफियों ने y को एक
तरफ लाने की पहले कोशिश की कि y को एक तरफ ले जाए और x एक तरफ चला जाए, वो कर नहीं पाए क्योंकि x और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो वो y को एक तरफ तो कर नहीं पा रहे कि मतलब देखो ना, वो बेस्ट सॉल्यूशन है y एक तरफ x एक तरफ, बात खत्म। जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया मैंने, वो हो नहीं पा रहा। अब नहीं हो पा रहा तो छोड़ना तो है नहीं, तो d by dx दोनों तरफ लगा दिया। कितने लोगों ने ऐसा लगाया? अच्छा अच्छा बाकी लोग y को एक तरफ कर रहे थे, अच्छा वो हो नहीं रहा था। ओके अच्छा कैसे? अच्छा आपने y को एक तरफ किया, फिर y को कॉमन में निकाला, एक्स वाई को, एक्स वाई क्यूब को, अच्छा नहीं वो भी ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें। मैं आपको बताता हूँ, आपने फिर भी गलती की। देखो मैं वो भी करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। ये स्टेप में कोई डाउट? ठीक है, चाहे आप अपने तरीके से कर लो, वाई इकट्ठा कर लो या ना करो, रास्ते में ये टर्म तो दिखेंगी दिखेंगी आपको। जब आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर रहे हैं तो d by dx of x into y cube तो दिखाई होगा फिर भी न्यूमेरिकल में। ठीक, तो इसको ओपन करें, dx by dx plus dy divided by dx is equal to d by dx of x into y का क्यूब। कोई डाउट इसमें? ठीक बोलो, dx by dx is, ठीक dy by dx हमने निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। काफी लोगों ने इसको ऐसे किया, x into d by dx of y का क्यूब। काफी लोगों ने, कितने लोगों ने ऐसे किया? बहुत लोगों ने किया। क्या मैंने बोला x is a constant? नहीं, मैंने नहीं बोला x is a constant, a and b constant बोलता हूं ना, x and y बिल्कुल भी constant नहीं है, variables हैं। और जब ये variables हैं तो फिर बाहर कैसे आ गया? नहीं आ सकता। इसको कैसे करना पड़ेगा? u into v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कितने लोगों ने लगाया u into v? ओके, फिर आंसर कैसे आया? नहीं करता हूं, तो u into v में x into d by dx of y का क्यूब प्लस y का क्यूब into d by dx of x, राइट? कोई डाउट इसमें? आगे आगे dx by dx तो साफ पता लग रहा है कितना है, 1। तो 1 प्लस dy by dx is equal to x into, इसकी डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगी, पावर क्या है, 3, y की पावर 1 कम, into dy by dx, क्योंकि पावर नीचे आएगी 3, एक पावर कम हो जाएगी और हाथ रखेंगे तो dy by dx plus y का क्यूब। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे dy by dx निकालना है, dy by dx निकालना है। अब ये जहां dy by dx है वो एक टर्म है, ये ऐसी रहने दो, इस पूरी टर्म को लेफ्ट की तरफ ले आओ, माइनस 3xy² इंटू dy by dx, ये लो एक तरफ ले आए, और y क्यूब को ऐसे रहने दो, 1 को इधर ले आओ, ये लो। कोई डाउट इसमें? तो जिसमें dy by dx निकालना है वो टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। तो इसमें से, इन दोनों में से dy by dx को कॉमन निकाल लो, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस 3xy का स्क्वायर इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 1। तो यहां से dy by dx की वैल्यू आ जाएगी y क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3xy का, ये आंसर इज द फाइनल आंसर। कितने लोगों का ये आंसर आ गया? ठीक आ गया पॉइंट, लेकिन समझ में आ गया कि इक्वेशन पे dy dx लगाओ बस, फिर नॉर्मल रूल लगाते जाओ, dy by dx की टर्म एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। ठीक, डाउट है? हाँ, मैं ये डिस्कस करने वाला था। कर सकते हो, बहुत सही। देखो उसने कहा मेथड नंबर 2 में x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है, तो वो कह रहा है कि x को कॉमन निकाल लो, ये टर्म आ जाएगी, यहां से x को कॉमन निकाल लो तो y क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू कितना y, तो वो कह रहा है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y डिवाइडेड बाय y क्यूब माइनस 1। सही है। अब वो कह रहा है काम करते हैं, ये इक्वेशन आ चुकी है कितनी,
एक्स इज इक्वल टू वाई बाई वाई क्यू माइनस वन, दोनों तरफ को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, क्यों ना उल्टा निकाल दूं डी एक्स बाई डी वाई और बाद में से क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल। ये इसलिए वाई उल्टा निकाल रहा है क्योंकि यहाँ पर वाई वेरिएबल है, यहाँ करना कितना आसान है, देखो डी वाई और यहाँ पर क्या आएगा वाई बाई वाई क्यू माइनस वन, इसको यू बाई वी से सॉल्व कर लेंगे डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। सही है, पॉइंट समझ में आया, कैसे मर्जी कर लो, इतना नहीं सोचा जाता, क्या दिक्कत है, इक्वेशन है उठा के डी बाई डी एक्स कर दो, अपने आप ही कुछ तो निकल के आ ही जाएगा बाहर, और सबसे बेस्ट यही है, कौन इतना वेरिएबल का रीशफल करेगा, इक्वेशन लिखो डिफ्रेंशिएट करो, जो चाहिए होगा बाहर निकाल लो, जो नहीं चाहिए उसको राइट साइड पर पुट कर दो। पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है एकदम क्लियर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स में सही है, राइट कर सकते हो ऐसे, ओके। क्या ये पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो मैं एक और मेथड, कर सकते हो आंसर के फॉर्म अलग आएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैंने अभी टॉपिक की स्टार्टिंग की थी डबल डेरिवेटिव से, और आप ये फील कर रहे होंगे मैं पता नहीं कहीं और चला गया, मैं कहीं और नहीं चला, ये टर्म अब यूज होने वाली है इसमें, इक्वेशन को कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, राइट करें स्टार्ट, ठीक। तो डबल डेरिवेटिव का एग्जांपल लेते हैं और इसको ट्राई करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक। इसको कर रहे हो अभी, ये वाला कर दूं मेथड, जितने आप लिख रहे हो मैं इतने एक चीज़ बताता हूँ इन लोगों को, दो मिनट लूँगा, कि नॉर्मल जो फिजिक्स है, जैसे आप सोच रहे हैं कि अब पूरा साल ऐसे चलेगा, तो नहीं, ये पूरा साल ऐसे नहीं चलेगा, इस स्पेस पे भी नहीं चलेगा, इस स्पेस पे हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, सिलेबस ज़्यादा बड़ा है, और हम ए बी सी तो सीख ऑब्वियसली, अगर 15 दिन ए बी सी सिखाएंगे तो फिर गेम खेलेंगे, तो फिजिक्स का लेवल और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट बिलीव मी, बिना जब तक आपको कैलकुलस आता है आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलस के होते हुए आपको फिजिक्स मुश्किल नहीं लग सकती, बस मेरे को एक बात पता है, और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि लेक्चर आने वाले टाइम में कैसे चलते हैं जब तक आप लिख रहे हो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा है मैंने बताया, और हर की स्पीड भी एक ऐसी नहीं है लिखने की, तो वो एक मुश्किल है, क्योंकि जब पूरा पूरा चैप्टर लिखा जाएगा, मतलब आफ्टर ऑल मेरी उसमें लैब में जाओगे तो 200 किताब तो कम से कम पढ़ी है, 200-400, तो ऑब्वियसली वो फिजिक्स की ही है, +1 +2 की ही है इतनी किताबें, तो अब आप कितनी कर लोगे एक किताब, और कितनी कर, 2 किताब कर लोगे मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं कर सकते। मैं आपको 5-6 जो मेन मेन बुक्स है उसका कंटेंट दूंगा और खुद लिख के दूंगा, राइट। मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ कैसे, और कैसे कैलकुलस काम आएगा वो भी आपको दिखाता हूँ। तो नॉर्मली क्या होगा कि जैसे जब फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, ये एक्चुअली +2 के लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर मतलब 16 तक उनका चल रहा है ये कंटेंट, और ऐसे 120 130 140 तक चलता है। तो जैसे सपोज कोई भी लेक्चर है, जैसे उनका लास्ट लेक्चर यही था +2 वालों का, अब ये एक चैप्टर स्टार्ट हुआ उनका, चैप्टर देखो कैलकुलस सदा नहीं, ये फिजिक्स नहीं है, इस वहम में मत रहना कि ये ऐसी फिजिक्स चलेगी, फिजिक्स तो फिजिक्स की तरह ही चलेगी ना, जैसे आप साइंस पढ़ते हो, लेकिन चलेगी मैथमेटिकल, जैसे कॉन्सेप्ट बताया फ्लक्स का, उनका ये टॉपिक हुआ है तो समझ में नहीं आएगा वो अलग बात है, उनको फ्लक्स बताया, ये शीट की फोटोकॉपी उन लोगों के पास होती है, आप लोगों के पास भी होगी जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपके पास सब कुछ होगा। तो ये कंटेंट सिर्फ समझने आपको कि कैसे फ्लक्स चल रहा है, ये सब लिख के मैं आपको दूंगा, और अगर आप ध्यान से देखो ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद,
जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है, थ्योरम स्टार्ट हो रही है, उस थ्योरम की स्टार्टिंग मैं आपको करके दूंगा कि ये डायग्राम कैसे बने। उसके बाद नोट करने वाली बात ये है कि जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चलता है, इंटीग्रेशन चल रही है इसमें, अभी करने वाले नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना इंटीग्रेशन है, जैसे डिफ्रेंसिएशन है वैसे इंटीग्रेशन है। आप मजे की बात देखो कि जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और कैलकुलस आता है, बिलीव मी वो कुछ नहीं कर रहा, वो खुद बना लेगा, क्योंकि सारे स्टेप्स हम अभी सीख लेंगे। आप कोई मर्जी लेक्चर उठा लो प्लस टू का, जो सा मर्जी आप ओपन कर लो, उसमें कैलकुलस ही कैलकुलस चल रहा है। देखो, फिर साइंस चल पड़ी, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट चल पड़े, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखो, जो आपको लिखना है पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, और फिर से कैलकुलस। ये लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही होगी आपको, ये एकदम इंटीग्रेशन के बेस चल रही है। तो इस तरीके से ये एक लेक्चर चल रहा है, ये एक लेक्चर का कंटेंट है, और ये चलता जा रहा है। कितनी शीट्स हैं इसमें? कम से कम 12 शीट्स हैं। तो 12 शीट्स तक ये इस तरीके से चलता जाएगा। ये एक लेक्चर है, 3 पेज का एक लेक्चर नहीं होता। अब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि इसमें लिखने का चक्कर नहीं फिलहाल। तो ये 1 घंटे के अंदर होगा, क्योंकि 1 घंटे में इसलिए होगा क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलस आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बताया, काम चल पड़ा। आपको घर जाके इसका रजिस्टर बनाना है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ये, आपको घर जाके सारा फिर से लिखना है। मैं आपको फोटोकॉपी दूंगा, आपको सारा 2 घंटे लगा के, अगर मैंने यहाँ 2 घंटे या 3 घंटे लगाए तो आपके भी 3 घंटे लगने वाले हैं। ये ना सोचना कि मैं तो रात को असाइनमेंट तैयार करके लाऊंगा और हम आराम से 10 बजे सो जाएंगे। तो आपको पूरा काम करना है। वो रीज़न ये है क्योंकि अभी आप समझ के गए हो, आप जब लिखोगे ना तो आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने क्लास में क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट सीखा, फॉर्मूला आपके सामने है, फिर एक शीट आएगी, उस शीट को अभी के अभी प्रैक्टिस करने हैं। जैसे 10 क्वेश्चन दूंगा तो बस 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये नॉर्मल ट्रेंड चलने वाला है अभी जब फिजिक्स स्टार्ट होगी। मतलब मैं आपको एक वो दूर कर दूं, क्योंकि सोचें कि ये कैसी फिजिक्स चले जा रही है यार, कैलकुलस ही चले जा रहा है। कहीं कोई पूछे कि क्या चल रहा है कैलकुलस, मैंने बताया हम स्टार्ट स्लो करेंगे, आराम से कैलकुलस करेंगे, वेक्टर्स भी बहुत आराम से करेंगे। ये 2 टॉपिक के साथ कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे, बाकियों में कोई जोर ही नहीं लगेगा हमारा, उसके बाद अपने आप स्मूथ से एकदम चीज चलती जाएगी, राइट। तो इस तरीके से काम चलने वाला है, राइट। तो आपको पॉइंट एक बताना जरूरी है, इसलिए कि कईयों को ऐसा होता है कि यार ये क्या मैथ्स ही पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ्स ही पढ़ाए जा रहे हैं, और हमने तो पता नहीं सोचा था कि कौन सी फोर्स करेंगे, एनर्जी करेंगे, और पता नहीं पोटेंशियल, काइनेटिक। चिंता ना करो, 2 साल फोर्स एंड एनर्जी ही करेंगे, ठीक, और इतनी करेंगे कि आपको ज़्यादा भी नहीं होगा कि जिस एनर्जी को तो मैं छोड़ के आया हूँ 10th तक, वो एनर्जी इतने डीप में लोगों ने सोची हुई है, ठीक। तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे चलेगा, राइट। तो फिलहाल आज कैलकुलस को ही ख़त्म करते हैं, और कैलकुलस में डबल डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। डबल डिफरेंशिएशन के अंदर बेसिकली होता क्या है, डबल डिफरेंशिएशन में फॉर एग्जांपल आपके पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 8 है, जैसे मैंने बताया। मैंने ये पूछा आपसे कि डी बाई दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो, तो डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 8 हो जाएगी, तो यहाँ से डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 8 × x⁻⁷ हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो सिंगल डेरिवेटिव बोलते हैं इसे, सिंगल डेरिवेटिव लिया, रेट ऑफ चेंज लिया, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आंसर आया, ये मेरे पास आंसर आया, मैं चाहता हूं कि इस आंसर को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक बार जो हमने स्टार्ट यहां से किया था, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये आया, और अब मैं ये चाहता हूं कि इसकी डिफरेंशिएशन हो, और मेरे पास सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, यहां से 8 × 7 × x⁶ = 56 × x⁶। ठीक, क्या ये पॉइंट क्लियर है? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो भी मेरे पास आंसर आया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो हमने इसको क्या किया, डबल डेरिवेटिव लिया। किसका डबल डेरिवेटिव लिया? इसका लिया, इसका सिंगल डेरिवेटिव आंसर ये देगा, इसका डबल डेरिवेटिव आंसर ये देगा। मतलब डबल डेरिवेटिव का मतलब जो ये एक डिफरेंशिएशन देगा, ये और डिफरेंशिएशन का आंसर आएगा, वो डबल डेरिवेटिव माना जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं है, डबल डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना, दैट्स इट। कोई डाउट इसमें? ठीक, बोलो। मैथ्स में नॉर्मली प्लस टू तक, चलो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में नॉर्मली 2 साल में 5 क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव के आएंगे, 5-7, इससे ऊपर नहीं चलेगा, सिंगल ही चलता है।
एडवांस के अंदर डबल डेरिवेटिव खूब चलता है, वो लोग करवाएंगे। मैथ्स के अंदर बताओ कि कितना एप्लीकेशन है, पूछ रहे हो? हाँ मैं बता रहा हूँ। मैथ्स के अंदर पूरी प्लस टू के अंदर 3 महीने का कैलकुलस है, उसमें डबल डेरिवेटिव चलता है। तो 3 महीने हो गए आज के लिए, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट लेवल कितने जाते हैं, मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 इंजीनियरिंग के अंदर लगेगा, उसमें 3 टाइम डेरिवेटिव तक जाता है। तो मतलब 4 टाइम सोचना भी बेकार है, तो 3 टाइम भी सोचना बेकार है, तो हमारा सिर्फ तक ही चलेगा। तो मतलब ऐसे कितने लेवल जा सकते हैं, एन नंबर ऑफ लेवल। कैसे, x की पावर 8 है, सिंगल डेरिवेटिव आंसर क्या देगा बोलो, सीधा लिखो 8 × x की पावर 7। एक और डेरिवेटिव लो, d/dx लगाओ इसके आगे, मतलब एक बार इसके आगे लगाया तो ये आंसर आया, एक बार इसके आगे लगाया तो कितना आंसर आया, 56 × x की पावर। ठीक, एक बार और डेरिवेटिव कर दो, ये लो d/dx, करते 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 एक्स चला जाएगा और चलता जाएगा। बट एक लॉजिक है, एक लॉजिक है, लॉजिक है। मैथ्स के लोग इतने वेले तो नहीं ना, वेले बैठे थे और सोचा कि चल जी बच्चों को ऐसे करते हैं, डबल सिंगल तो सिखा दिया, डबल भी सिखा देते हैं। और मैं भी इतना फ्री नहीं कि मैं लेक्चर छोड़ के आपको डबल डेरिवेटिव, क्योंकि मैथ्स वालों ने ये सोचा कि चलो फ्री बैठे हैं तो प्रैक्टिस करवा दें, मैंने सोचा मैं भी प्रैक्टिस करवा दूँ। कोई लॉजिक होगा डबल का, कोई लॉजिक होगा कि 3 बार डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। तो हम आज पहले डबल डेरिवेटिव सीखेंगे कि क्यों निकाला, और हम ये लगा के देखेंगे अपने एग्जाम्पल में कि डबल डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस है क्या। ठीक, लॉजिक है। फिर 3 टाइम डेरिवेटिव की इंपॉर्टेंस आपको इंजीनियरिंग वाले बताएंगे, अपने आप 3 गुना क्या करना है या 3 टाइम्स क्यों करते हैं, हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक, हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम डबल तक चलेगा, करते रहो। इसकी एक्स की पावर 0 आ जाएगी, हाँ कॉन्स्टेंट आएगा, आंसर 0 आ जाएगा एक दिन। पर अगर मैं फंक्शन ही उल्टा बना के दूं आपको, x/x³ -1 लगे रहो, u/v का फॉर्मूला लगाया, एक नेक्स्ट आंसर आ गया, u/v का फॉर्मूला लगाया, फिर एक फॉर्मूला, u/v लगाते रहो, जरूरी नहीं कि हमेशा खत्म होगा, बैठे रहो लगाते रहो, 4 बार कर लिया, 5 बार तो कर लो, किसने कहा भाई, कोई लॉजिक तो होगा क्यों कर रहे हो, कोई पूछेगा कि करे क्यों जा रहे हो। तो मैं आपको आंसर देने वाला हूं कि डबल डेरिवेटिव हम क्यों करते हैं, राइट, इतना आंसर जितनी रिक्वायरमेंट है फिजिक्स की। ठीक है यहां तक, पर पहले सिखाऊंगा उसकी बात करूंगा। आप कहोगे सीख तो लिया डबल डेरिवेटिव, नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स की लैंग्वेज में सिखाऊंगा डबल डेरिवेटिव कैसे होता है, ये पॉइंट क्लियर है। तो आज की डेट में आपको आंसर तो निकालना आ गया कि सिंगल डेरिवेटिव क्या आंसर देगा, डबल डेरिवेटिव क्या आंसर देगा, पर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आई। मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूं कि इसको लिखते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले वाई की वैल्यू मान लो x³ है, राइट, तो मैंने क्या किया, सिंगल डेरिवेटिव के लिए d/dx यहां लगाया, d/dx यहां लगाया, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, 3 × x³, कोई डाउट इसमें? मैं काम करता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन का रूल है कि अगर मैं यहां पर d/dx लगा दूं तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी d/dx लगाना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो यहां पर 3 × d/dx ऑफ x² 3 × क्या आएगा, 2 × x³ कितना, 6x। राइट हैंड साइड तो एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? लेफ्ट हैंड साइड भी देख लें, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन तो सिखाई नहीं ना मैंने, ये तो समझ में आ रहा है कि आंसर ओरली भी कर सकते हो, 3x² की डिफरेंशिएशन 6x। नहीं नहीं नहीं, इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड को। तो पहली बार हमने क्या निकाला, dy/dx, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ा, इसके रिप्रेजेंटेशन को लिखा जाता है d²y/dx², ये इंपॉर्टेंट। आपको ये क्या रूल है, एक को तो स्क्वायर कर दिया, दूसरे को स्क्वायर नहीं किया। देखो, d² का मतलब होता है 2 बार डेरिवेटिव, d² का मतलब, d² का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, और रियलिटी में हम 2 बार डेरिवेटिव ले रहे हैं, राइट। x² का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम। डिनोमिनेटर में एक वर्ड क्या यूज करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, तो x² का मतलब बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम, क्योंकि एक बार d/dx लगाया, दूसरी बार भी विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट किया। यही रिप्रेजेंटेशन है, आप खुद नहीं बनाए अपनी, d²y/dx², क्लियर है यहां तक? तो डबल डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है यहां तक? ठीक, क्योंकि ये तो आपको आता ही था, इसमें तो बड़ी बात नहीं है,
इसमें ये नई चीज है आपके लिए, कोई डाउट है इसमें? ठीक, तो डबल डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। फिर देखो कि अगर सपोज करो, आप खुद करो, इफ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, फाइंड डी स्क्वायर y बाय डी टी स्क्वायर, बस डी एक्स स्क्वायर होता है, कोई होल स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी लिखना है। यार आपसे कोई वो मैथ नहीं करवा रहा, उसमें ऐसी भी छोड़ देगा वो, मैं बताऊंगा उसको लॉजिक, चिंता ना करो, मैं आपको ना इसको लगा के दिखाऊंगा फिजिक्स में आज, आपको नींद आएगी रात को जाके, मतलब दिमाग में खटके गानी है क्यों किया। नहीं, वो क्वेश्चन देने वाला पूछेगा ना, ऐसे तो कोई जरूरी नहीं, ऐसे तो मेरा आंसर आ ही गया 2t+1, फिर अगली बार करूंगा तो 2, ऐसे तो ओरली तो मैं कर दूंगा, मुझे ओरली सिखाना होता मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखाता ही ना, मैं आपको ऐसे ही बोल देता दो बार मन में कर लो ना, मेरे को कुछ और सिखाना है कि हाउ टू राइट, ये रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, आदत नहीं पड़ेगी ना, गड़बड़ हो जाएगी, बुक्स नहीं पढ़ी जाएंगी आपसे। अभी आपको रियल टाइम प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगी मैंने क्यों करवाया डबल डेरिवेटिव। ठीक, सबसे पहले ये साफ पता लग रहा है कि टाइम्स टी स्क्वायर का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन है और विद रिस्पेक्ट टू टी, तो रूल नंबर वन, डी बाय डी टी लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू डी बाय डी टी राइट साइड पे, कोई डाउट इसमें? तो डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t+1 क्लियर है, सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब एक काम करते हैं, डी बाय डी टी लेफ्ट साइड पे डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी राइट साइड पे 2t+1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर जैसे मैंने बताया, और इसको करेंगे तो 2 कॉन्स्टेंट है, इंटू डी टी बाई डी टी इज 1 और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन इज 0, तो आंसर क्या आएगा 2। क्लियर, सब आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर बताया आंसर तो एक मिनट में निकल आएगा, बट कैसे लिखा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकल इक्वेशन समझ में आ रही है, क्योंकि अगर कोई किताब लोगे तो पूरी किताब कैसे चलेगी, वही लैंग्वेज यूज करेगी, आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है यहाँ तक, अब मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि हमने डबल डेरिवेटिव क्यों किया, फिर मैं आपको चार प्रॉब्लम दूंगा, वो चार प्रॉब्लम आपने मुझे करके दिखानी है, बोलो ये ठीक है? नहीं ठीक, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, वो तो इतना तो मैं कर सकता, 3 लेक्चर हो गए ना अब तो यार, अब तो बनता है। ठीक, पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? अब मेरे ख्याल से आप भी लोगों भी डायरेक्टली लिख लेते होंगे, अब तो 3 लेक्चर के बाद तो डायरेक्टली लिखा जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक, देखो अब वापस अपनी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं कि फिजिक्स की प्रॉब्लम अब कैसे चलती है वो बताता हूँ। और क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं थोड़ा थोड़ा मोशन भी स्टार्ट कर दूंगा, अगर आपके पास कोई बुक है एनसीईआरटी वाला लोग लेते हैं, लेकिन मुझे मैं ये नहीं करता, रिकमेंड नहीं करता, मैं पूरी एनसीईआरटी करवाता हूँ, बट मैंने टाइप करवाई हुई है, तो अगर आपने बुक नहीं भी ली तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेने की, वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक, तो बुक्स इस तरीके से काम नहीं करती जैसे हम करते हैं। बुक्स में कैलकुलस अगर किसी ने देखा हो, है किसी के पास कोई बुक या देखा हो घर जाके खोल के? नहीं देखा, चलो अच्छी बात है। ठीक, तो उसके अंदर डिफरेंस, पहली बात तो एनसीईआरटी में कैलकुलस मेंशन ही नहीं है, अगर है तो बहुत ही एक पेज का या बहुत ही बहुत छोटा, मतलब वो करके आप तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको ये समझ में आने वाला है, ज़्यादा कम है। रेफरेंस बुक अगर आप लेते हो तो रेफरेंस बुक्स के अंदर भी कैलकुलस इतना नहीं है, और अगर है भी तो वो मोशन के साथ एग्जाम्पल के साथ नहीं है, क्योंकि मेरे को अप्लाई करवाना सिखाना है, सबसे मेन टास्क एप्लीकेशन है। तो कैलकुलस मोशन के साथ बेस्ट सूटेबल है, वैसे तो हर में चलता है, पर मैं आपको, क्योंकि मैंने बताया था कि जो मोशन चैप्टर आने वाला है 15-20 दिन में आ जाएगा, तो उसकी स्टार्टिंग मैं आज करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन कैसे काम करती हैं। उसके बाद वो चैप्टर आपको ईजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, देखो कैसे। तो वापस चलते हैं अपने एक क्वेश्चन पे कि सपोज करो आपके पास, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई कार कितनी जर्नी कवर करती है डेल्टा एक्स इन टाइम टेकन डेल्टा टी,
तो हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को क्या बोलते हैं, कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर मैं टाइम बहुत छोटा लेता हूं, वेरी 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 स्मॉल, तो उस केस में इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? डीएक्स बाय डीटी। तो डीएक्स बाय डीटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, समझ में आता है। कई बुक्स क्या करती हैं, ये डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एस दे देती है, क्या फर्क पड़ता है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सिंबल बोलो क्या बनेगा इसमें? डी, क्या फर्क? कई बुक्स वाई के साथ काम करती हैं, भाई ऑथर है उसको पसंद है वाई, उसको एक्स पसंद है, किसी को एस पसंद है, तो उसकी मर्जी, अपने हमारी अपनी मर्जी। तो अगर एस पसंद है तो डीएस बाई डी टी यूज कर लेगा, उसको एक्स पसंद है तो डीएक्स बाई डी टी के साथ की पूरी किताब लिखी जाएगी। तो प्लीज याद ना करें, जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए डीएस बाई डी टी या डीएक्स बाई डी टी, समझ में आ गया। मैं आपको सेकेंड प्रॉब्लम बताता हूँ। अब न्यूटन की एक और भी प्रॉब्लम थी जो मैंने शायद आपसे कभी डिस्कस की होगी फर्स्ट लेक्चर में, उसका सोल्यूशन दूंगा आज। वो क्या, सपोज करो एक कार मूव कर रही है, किसी ने मेरे को कहा सर मैं घर से चला था तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 2 meters per second थी। मैंने कहा ठीक है। वो कहता है जब मैंने जर्नी को एंड किया तो मेरी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मान लो 10 meters per second है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने कहा स्टॉपवॉच में टाइम क्या था? बोला स्टॉपवॉच का टोटल टाइम जो था कुल मिला के जो है 8 सेकेंड आया। तो वो पूछता कि सर क्या आप एक्सेलरेशन बता सकते हो? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं बताएंगे। एक्सेलरेशन बोलो क्या होगी? अच्छा एक्सेलरेशन होती क्या है? चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन, ऐसे लिखूं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ऐसी होगा ना। तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10, इनिशियल कितनी है? 2, और टाइम टेकन कितना है? 8। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 meter per second का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? और ऐसी चीज ये तो आप करते आए हैं। अगर आपसे अगर मैं फर्स्ट लेक्चर में पूछता ना, आप मुझे पता है क्या कहते? U is equal to 2, V is equal to 10, T is equal to 8, equal to U plus, ऐसी करते हैं ना, 9th, 10th में कुछ किया होगा ऐसा, ऐसी होता है। Apply V is equal to U plus AT, तो यहां से V minus U is equal to A into T, A is equal to V minus U by T, अरे मैंने भी तो यही लिखा, change in velocity by time, आपका answer आता 10 minus 2 divided by 8, 1 meter per second का, आप ऐसे ही करते हैं 9th 10th में, ऐसा होता है कि नहीं होता? कि मैं खुद ही थ्योरी बना रहा हूं, मेरे को पता ही 9th 10th में क्या होता है, ऐसे ही होता होगा। अच्छा ठीक है, ऐसा ही होता है, सही है। ये कौन सी एक्सेलेरेशन है? एक्सेलेरेशन है, गाड़ी की एक्सेलेरेशन है। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा यार तू कैसे आया? उसने कहा सर मैं घर से चला था, मेरी वेलोसिटी 2 थी और जैसे ही मैं आपके ऑफिस के बाहर आया उस टाइम वेलोसिटी 10 थी, देखो मेरी एक्सेलेरेशन 1 है। मैंने कहा यार बिल्कुल गलत है, मुझे क्या पता तू कैसे चला, घर से चला विद वेलोसिटी ऑफ 2, फिर उसके बाद हो सकता है तूने वेलोसिटी चेंज ही नहीं की, 2 2 2 2 2 and 2 and 2 and 2, मेरे सामने दिखाने के लिए फटाफट एक्सेलरेटर दबाया और बोला देखो आंसर इज 10, वेलोसिटी 10 हो गई। अब पूरी जर्नी में अगर तू 2 के साथ ही मूव करता जा रहा है, 2 meter per second 2 meter per second, तो तेरी गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करती। तो पूरी जर्नी में तूने एक्सेलरेट नहीं किया, वो आखिरी बिल्कुल आखिरी जब सेकंड्स रह गए थे फिर तूने मेरे को रेस दबा के बता दिया कि देखो मेरी एक्सेलेरेशन तो कितनी है या मेरी वेलोसिटी कितनी है 10, और मेरे को फॉर्मूला लगा के बता रहा है कि पूरी जर्नी में मेरी एक्सेलेरेशन कितनी है 1। ये तो गड़बड़ है, तेरे को चेक करना पड़ेगा तू गाड़ी कैसे चलाता है, क्योंकि अगर मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं तेरी सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी देख रहा हूं और फाइनल वेलोसिटी देख रहा हूं, तो मेरी गलती हुई ना कि मैं पूरी जर्नी नहीं देख रहा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो ये जो एक्सेलेरेशन आई, ये पता है क्या किया मैंने, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल बाय टोटल को क्या बोलते हैं? एवरेज एक्सेलेरेशन। तो एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज को, टोटल चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। तो इसमें टोटल चेंज क्या होगा? वी माइनस यू को ही क्या बोलेंगे? डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम को, डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, जो आप 9th 10th 6th में करके आए हो, आपने हमेशा हमेशा
एवरेज एक्सलेशन के साथ ही काम किया। आपकी गाड़ी में आपको यू गिवन होता है, वी गिवन होता है, आप जो ए निकालते हो वो एवरेज होता है, वो टोटली गलत है। आपको पूछा जाए कि गाड़ी सच में ऐसे चल रही है, आप कहोगे मुझे क्या पता, मेरे को तो क्वेश्चन गिवन है यू वी, मैंने आंसर निकाल दिया, लेकिन रियलिटी में गाड़ी ऐसे नहीं चलेगी। कोई डाउट इसमें? न्यूटन की वही तो समस्या थी, वो कहता है यार एक्चुअल में क्या हुआ किसी को पता ही नहीं लगा, तो ऐसा करते हैं इस गाड़ी के साथ बैठ के देखते हैं गाड़ी चली कैसे। तो उसने कहा चल ठीक, अब मूव, अब इसको हम गाड़ी को ऐसे चलाते हैं कि डिटेल में पूछते हैं कि हुआ क्या था। तो इस बंदे ने बताया कि मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, और फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। चलो कुछ लॉजिक लगा। फिर पूछा गया कि ये बता कि तू कितनी देर में ऐसे आया, 2 सेकंड में, फिर अगली स्पीड 2 सेकंड में इंक्रीज होती है और अगली भी 2 सेकंड में ही इंक्रीज होती है, सही है। फिर देखा गया कि तेरी एक्सेलेरेशन कितनी है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, बिल्कुल सही। इसके अंदर एक्सेलेरेशन कितनी है, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड का, तो 1 1 1 1 1 कोई डाउट इसमें? लेकिन हो सकता है कि इसमें तो उसने सच बोल दिया कि हाँ ऐसे हुआ, ठीक है, तो ठीक है आंसर 1 1 1 आना स्टार्ट हो गया, यानी कि एवरेज वेलोसिटी और अंदर की वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलेरेशन और अंदर की एक्सेलेरेशन मैच कर रही है। पर हो सकता है कि गाड़ी ऐसे चलती 2 4 6 8 10, ये सपोज 0.5 सेकंड में कर गया फटाफट रेस दबा के, ये 0.5 सेकंड में कर गया, मान लो ये भी, मान लो ये 1 सेकंड में कर गया, ठीक, और ये 6 सेकंड में, टोटल टाइम कितना हो गया 8। देखो अगर वो इनिशियल फाइनल से काम करते हो तो आंसर एक्सेलेरेशन का हर वक्त क्या आ रहा है 1, पर अगर जाके डिटेल पूछते हो कि गाड़ी चलाई कैसे, तो आपको लगता नहीं है कि यहां पे एक्सेलेरेशन क्या आएगी, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.5, 1 तो नहीं आने वाली, यहां पर 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.5, अब 1 तो नहीं आने वाली, कहीं पर भी 1 आने, तो यानी कि वो जो क्वेश्चन है वो तो एवरेज के साथ चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में कुछ अलग ही तरीके से गाड़ी चल रही है, कोई डाउट इसमें? अब न्यूटन को फिर वही दिक्कत होगी कि क्या पता यार ये भी सच है कि झूठ है, 2 से लेके 4 बोल तो रहा है कि मैंने 2 से लेके 4 मीटर पर सेकेंड किया 0.5 सेकेंड में, क्या पता ऐसे किया हो, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड करते करते वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड की उसने, लेकिन यहां से यहां तक हो सकता है 0.4 सेकेंड के लिए वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं किया और आखिरी 0.1 सेकेंड में फटाफट वेलोसिटी कितनी दिखा दी 4, और लोगों को बताने के लिए कि देखो मेरी वेलोसिटी 2 से 4 हो गई और मैं एक्सेलरेट करता हुआ आया हूं, लेकिन रियलिटी क्या है कि वेलोसिटी कुछ देर के लिए उसने इंक्रीज नहीं की, और जब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती देयर इज नो एक्सेलरेशन, समझो इस बात को, कोई डाउट इसमें? तो न्यूटन को फिर वही सेम प्रॉब्लम, अब और डिटेल और इंटरवल और छोटे छोटे चेंज देखने पड़ेंगे। तो उसने फैसला किया कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगी, फाइनल वेलोसिटी जो भी होगी, हम सबसे छोटी चेंज इन वेलोसिटी लेंगे, और सबसे छोटी चेंज इन वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डीवी, मैं डेरिवेटिव लूंगा वी का, डेरिवेटिव का मतलब इससे छोटा चेंज होगा नहीं, और कितने टाइम में कवर होगा ये डीटी, तो वो कहता है कि ठीक है अब मैं डीवी बाय डीटी निकालूंगा, तो ये वेलोसिटी, ये एक्सेलेरेशन क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, कि देखूं तो सही गाड़ी में बैठ के तेरी एक्सेलेरेशन है कितनी। तो मतलब एक ही एक वही बात है कि गाड़ी में जाके बैठ गया हर इंस्टेंट में चेक करता जा रहा है कि एक्सेलेरेशन है कितनी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि अगर मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी यूज करता हूं तो एवरेज एक्सेलेरेशन, यानी अगर मैं टोटल बाय टोटल करता हूं एवरेज है, लेकिन अगर मुझे हर इंस्टेंट को चेक करना है तो मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी बॉडी की जो एवरेज एक्सेलेरेशन है उसका ये फॉर्मूला, एंड इफ डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल अप्रोचिंग टू जीरो, तो एवरेज कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इंस्टेंटेनियस में डीवी बाय डीटी। कोई डाउट इसमें? ये थ्योरी क्लियर है मोशन की? देखो दो मूवीज इकट्ठी चल रही है, मैं पहले बता दूं आपको, एक कैलकुलस चल रहा है और एक मोशन चल रहा है, अब इनकी इनको मैच होने करवाने वाला हूं कि कैसे ये दोनों मैच करेंगे। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये मैंने शायद पहले बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब रियल टाइम प्रॉब्लम देखो,
ठीक, प्रॉब्लम नोट करेंगे सीधा, वो तो जस्ट एक समझाने के लिए था। प्रॉब्लम है कि इफ एक्स या सपोज इफ वाई इज इक्वल टू टी का क्यूब, पहले ध्यान से देखना है, ठीक, प्रॉब्लम बाद में करेंगे। इफ वाई इज इक्वल टू टी का क्यूब गिवन है, मतलब y की वैल्यू या x ले लेते हैं, चलो x की वैल्यू टाइम के साथ अपनी वैल्यू को x क्या कर रहा है, चेंज। एक कार चल रही है विच इज फॉलोइंग x का ये फॉर्मूला, टाइम की वैल्यू जीरो है तो x जीरो है, टाइम की वैल्यू वन टू थ्री फोर है तो x की वैल्यू चेंज है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मुझे साफ साफ पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर मैं dx by dt निकाल दूं तो अंडरस्टूड है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक, सही है। तो v निकालना या dx by dt निकालना एक ही बात है, तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू टी क्यूब को दोनों तरफ d by dt लगा दिया, d by dt एंड d by dt, कोई डाउट इसमें, दोनों तरफ d by dt, d by dt। तो यहां से dx by dt जो कि क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही फॉर्मूला होता है। तो आंसर क्या आएगा, 3t square, तो टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, सही है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई है, तो हमने पहले भी सीखा हुआ है। अब एक काम करो, किसी ने कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आ गई विच इज डी एक्स बाई डी टी, राइट, 3t square, मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती क्या है, डीवी बाई डी टी, अभी किया मैंने डीवी बाई डी टी। तो क्यों ना ऐसा करें कि डीवी बाई डी टी में, जो डीवी बाई डी टी है उसके अंदर डी बाई डी टी ऑफ, अब v की वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई है, 3t square, तो 3t square पुट कर देते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, अपने आंसर को एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं ताकि मेरे पास क्या आ जाए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां से 3 इज अ कांस्टेंट, t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2t, तो आंसर क्या आएगा, 6t। तो मेरे पास क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब डीवी बाय, ये क्या चल रहा है, डीवी बाय डीटी, डीवी बाय डीटी एंड डीवी बाय डीटी, कोई डाउट इसमें। तो कुछ नहीं करना, आपको अगर x की वैल्यू गिवन है, आपने x की वैल्यू को डिफरेंशिएट किया टाइम के साथ, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। आपने एक और बार डिफरेंशिएट किया तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गई। ये स्टेप क्लियर है, मैंने स्टार्ट x से किया था, वेलोसिटी dx by dt है, तो मैंने इस इक्वेशन को दोनों तरफ dx by dt कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि इसका मतलब तो वेलोसिटी होती है, तो राइट साइड को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ गई। फिर मैंने क्या किया, वेलोसिटी तो मुझे पता थी dx by dt, अब मैंने क्या किया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, v की वैल्यू को यहां से यहां पुट किया, आंसर आ गया, यहां ये स्टेप क्लियर है। अब मैं इसी स्टोरी को एक और तरीके से बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना, उसके बाद आराम से लिखना, ठीक, फिर मैं आपको प्रॉब्लम भी दूंगा। ध्यान से अब देखना मैं क्या करने वाला हूं, सपोज डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स, एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी बताओ, dx by dt, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x का, क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v लिख सकते हैं ना, v कितना, dx by dt, v is equal to dx by dt, क्लियर है, सही लिखा, ये वेलोसिटी कौन सी है, इंस्टेंटेनियस। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक, मैं दोनों तरफ को, इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में दोनों तरफ d by dt लगा रहा हूं, इधर भी, तो मुझे इधर भी d by dt लगाना ही पड़ेगा, कोई डाउट इसमें, मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल गया, dv by dt, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, और राइट हैंड साइड को क्या लिखना पड़ा, d2x by, तो आज के बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का पहला फॉर्मूला, और तो आज के बाद कोई किताब ऐसे लिखे ना अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो समझ लेना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो dv by dt और डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बात एक ही है, क्लियर यहां तक। तो जैसे मैंने
ये क्वेश्चन आपको एक सिंपल तरीके से करके दिखाया। अब सेम क्वेश्चन x इज इक्वल टू t का क्यूब एक आसान तरीके से, ये मेथड नंबर क्या है 1, ये ना लंबा मेथड है, पुट करो इसमें पुट करो कुछ नहीं करो, मेथड नंबर 2 से देखते हैं। मेथड नंबर 2 में ये लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम से डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, dx by dt का मतलब 3t square, कोई डाउट इसमें। एक बार और डिफरेंशिएट किया dx by dt लेफ्ट पे, d by dt of 3t square राइट पे, तो क्या बना d2x by dt square, आंसर क्या आएगा 3 into 2t यानी कि 60। तो आज के बाद क्या करने है, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है, एक बार डिफरेंशिएट करो अपने आप ही कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक बार और डिफरेंशिएट करो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस। बस मन में याद रखना है कि ये v होता है और ये a होता है, बस ये लैंग्वेज यूज होगी। पॉइंट समझ में आया, ये बुरी नहीं है, आसान है। तो अब v और a देखने को नहीं मिल रहे, ऐसा लग रहा है कि ये क्या d2x / dt² एक्सीलरेशन हो गई हमारी, d2x / dt² एक्सीलरेशन हो गई, क्या फर्क पड़ता है, समझ तो आ ही गया। तो आपको कौन सा मेथड पसंद है, पहले वाला, दूसरे वाला, या फिर अपना ही वो देसी तरीका, लिखो t क्यूब, मन में किया 3t स्क्वायर, मन में किया 60। कितनों को ये पसंद है, ये मतलब कुछ नहीं करना है इसमें, बस मन में दो बार डिफरेंशिएट किया आंसर। बट किताब भी तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे कोई, ठीक, जो भी किताब पढ़ोगे उसके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन गिवन होगी, किताब पढ़ी नहीं जाएगी, ठीक। और ये सिर्फ यहीं का बेस नहीं है, कल को किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गए या कहीं भी गए, उनकी पूरी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, इनफॉर्मल तरीके से किताब कभी नहीं लिखी जाती, एक लैंग्वेज है किताब लिखने की, और वो लैंग्वेज पूरी की पूरी ऐसे चलेगी, आपको आपसे पढ़ी भी नहीं जाएगी, आपको समझ में आना चाहिए कि वो सिंबल्स क्या बोल रहे हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, उतना ही ज़्यादा बेस स्ट्रांग होगा। अब लिखो, अब प्रैक्टिस करते हैं इसकी, आपने लिखना है लिख लो, मैं हूँ अभी, जो क्वेश्चन करने हैं बता देता हूँ। सब्जेक्टिव शीट नंबर 2 जो अभी हम कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर करना है 20। सब्जेक्टिव शीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 20, 21 सारी करने हैं, 20, 21, 22, 23 और 24। 20 से स्टार्ट करो, उसे शेयर करो अभी, हाँ बाद में दूंगा, अभी भी रख ले यार, 5 मिनट खराब हो जाएंगे ना यार, करो 20 से स्टार्ट करो। इसमें हाँ तो 3 बार कर दो डेरिवेटिव, अगर 3 बार करना है ये लो मैं 3 बार कर देता हूं। यहां पर क्या आया d2x by dt square is equal to what 60, 3 बार करना है, एक बार और लगाओ d by dt, यहां पर भी d by dt, तो इसको लिखा जाएगा d3x by dt cube, और ये आंसर क्या आएगा 6। 3 बार कर दो, 4 बार करो, जो मर्जी करो, आगे 4 क्वेश्चन करने हैं। ट्वेंटी से स्टार्ट करो, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं उसमें ये सिंबल को ओमेगा बोलते हैं, प्लीज डब्ल्यू नहीं है, इसको ओमेगा बोलते हैं, एंड ओमेगा का कांस्टेंट, तो जैसे कोई एबीसी कांस्टेंट है, ओमेगा मन में कांस्टेंट, उसको बाहर निकालना डिफरेंशिएशन के, ट्राई करो।
ओके, इफ वाई इज एक्स, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो प्लीज अपना मेथड चेक कर सकते हो, डी बाई डी एक्स लगाओ, एक बार डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू एक्स का क्यूब, एक बार और डी बाई डी एक्स लगाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 एक्स का क्यूब, तो ये क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, सॉल्व करेंगे तो 4 इज अ कॉन्स्टेंट, तो 3x का स्क्वायर कितना, 12x का स्क्वायर, ऐसे किया, और एक बार तीन बार करना है, तीन बार करेंगे तो सीधा लिख लें डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पे डी बाई डी टी, राइट हैंड साइड पे भी डी बाई डी टी, 12x स्क्वायर, तो आंसर 12 इज अ कॉन्स्टेंट इंटू 2 इंटू एक्स कितना आएगा, 24x, ऐसे ही तीन बार करना था आंसर, सबको आगे करना। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ऐसे ही है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, वेयर क्वेश्चन में गिवन है a एंड ओमेगा बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, और हमें क्या निकालना है, d 2y by dt स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे d by dt लगाते हैं, राइट हैंड साइड पे d बाई डी टी लगाते हैं, कोई डाउट इसमें, सही है, लेफ्ट हैंड राइट साइड दोनों की तरफ d बाई डी टी, ठीक, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू a इज अ कॉन्स्टेंट, d बाई डी टी ऑफ क्या आएगा, ओमेगा टी, सही, तो d y बाई डी टी विल बी इक्वल टू a इज अ कॉन्स्टेंट, सॉरी साइन, तो यहां पर क्या आएगा, साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस इनटू डी बाय डीटी ऑफ व्हाट, ओमेगा टी, एंगल को भी तो एंड में करना है, एंगल तो है, लिखना तो पड़ेगा ना, वो अलग बात है कि जीरो आया ना आए, तो साइन ऑफ सम एंगल कॉस ऑफ सेम एंगल इनटू डी बाय डीटी ऑफ एंगल, ठीक, सो डी वाई डिवाइडेड बाय डीटी will be equal to a cos of omega t into omega is a constant dt by dt which is equal to 1, तो omega बाहर आ गया, means dy by dt can be written as a omega cos of omega t, ये पहला derivative clear है, omega constant है ना, उसको बाहर ले जाओ, पीछे को रखते हो, कोई doubt इसमें, हाँ हाँ मल्टीपल, वो जैसे ये नम कांस्टेंट क्या, ये 2 है, ये 4 है, 2 इंटू 4 8 भी तो करते ही, क्या फर्क पड़ता है, ए इंटू ओमेगा का मतलब, ए ओमेगा का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा है, ठीक है, डाउट है पीछे यहाँ पे, क्लियर है, ए बाहर साइन की डिफरेंशिएशन कॉस एंगल के अलग से, ओमेगा बाहर कॉन्स्टेंट है, डी टी बाई डी टी 1, ए और ओमेगा मल्टीप्लाई, दो मिनट पहले कंप्लीट कर लूं, लेकिन मुझे सिंगल डेरिवेटिव ही निकालना, मुझे डबल निकालना है, तो dy by dt is equal to what, a omega cos of omega t, right, यही है, एक काम करते हैं, एक बार फिर से d by dt of dy by dt, d by dt of a into omega into cos of omega t, ये स्टेप क्लियर है, दोनों तरफ डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, तो लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायर्ड टर्म आ गई डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, यही चाहिए था, राइट हैंड साइड पे ए एंड ओमेगा बोथ आर कॉन्स्टेंट इन टू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, सही, ए और ओमेगा दोनों कॉन्स्टेंट है, उनको बाहर निकाल लिया डिफ्रेंसिएशन के, तो क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक, एक मिनट, तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा इंटू, बोलो फॉर्मूला, कॉस ऑफ एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन ऑफ एंगल, एंगल एज इट इज इंटू डी बाई डी टी ऑफ एंगल, भी तो आएगा एक, ये भी तो स्टेप है,
cos of theta, cos of x is minus sin x all into dx by dt, right? और फिर minus a omega sin of omega t, omega is a constant, dt by dt which is equal to what? 1, ठीक? ये omega इस omega से multiply होगा, sin of omega t, this is the final answer. माइनस चलने दो, माइनस के माइनस में आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट इसमें? वेट वेट वेट, ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ये जो मैंने किया सिंगल डेरिवेटिव तक, चलो मैक्सिमम डबल लक लगा दो, एक चैप्टर जनवरी में आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ये उसकी थ्योरी है, ये लैंग्वेज यूज करेगी वो थ्योरी. आप ये लगा लो कि वो सबसे आखिरी का चैप्टर है और मतलब पूरी फिजिक्स यूज करता है. तो अगर ये आ गया ना तो गारंटेड है कि आप पूरे साल कम से कम कैलकुलस तो आपको, डिफरेंशिएशन तो आपको रोक नहीं सकता. जनवरी का टॉपिक बड़ा टॉपिक है, एंड का पूरा अच्छा चैप्टर है वो मैथमेटिकल. अगर ये आ गया तो समझो बाकी आसान ही आसान है, बस इस लेवल की यूज होनी है, इतना कर ही लोगे. ठीक, तो यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एस वाला क्वेश्चन है और फिर 23-24 करो जरा. एस अभी कर रहा हूं, सारी कर रहा हूं मैं, वही तो क्वेश्चन था, मैं कह रहा था मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे एंड में, वो 24th क्वेश्चन ही है, इसका आंसर चाहिए मुझे. तो ये तो इजी है कि अगर s की वैल्यू, अगर s की वैल्यू t cube by 3 plus t square minus 1, तो आपको क्या निकालना है? d2s by dt square at time t is equal to 2 second. एक काम करते हैं, पहले इसको differentiate करते हैं. कैसे? d by dt of left term, d by dt of t cube by 3 plus t square minus 1. तो ds by dt, differentiation of first term, 1 by 3, 3t square, differentiation of second term, 2 into t की power 1 and constant की 0. तो ds by dt की value आ जाएगी, t का square plus 2t. यहां तक सबको clear है? Right hand side की differentiation कर लोगे? Power rules है? ठीक? और एक बार और d by dt लगाओ, d by dt of left, is equal to d by dt of right. तो ये क्या आएगा? d2s by dt square. इसकी differentiation 2 into t की power 1 और इसकी कितनी? 2. ठीक? तो ये double differentiation आ गई. पर उसने कहा कि end में time भी put करना है. कितना? 2 second. तो यहाँ पे काम करो, time को 2 put करो. तो answer क्या आएगा? 6. Clear है? कोई डाउट इसमें? तो डबल डिफरेंशिएशन समझ में आ गई है कैसे काम कर रही है. नहीं, टाइम को नहीं कर सकते, टाइम को पुट कर तो आंसर जीरो आ जाएगा, जीरो, और हर वक्त ही जीरो रहेगा वो, तो एंड में पुट करना है. इंस्टेंट का मतलब पहले टाइम की फॉर्म में निकालो और फिर उस टाइम पे आंसर निकालो जिस पे पूछा गया. यही क्वेश्चन है अगला, क्या निकालना है नेक्स्ट में? इंस्टेंटेनियस लो. क्या होती है? सिंपल बोलो, इसमें क्या करेंगे? ds by dt, यही होती है इंस्टेंटेनियस. तो कोई बात नहीं, इक्वेशन के दोनों तरफ d by dt लगा दो, t क्यूब t स्क्वायर t प्लस 1. तो ds by dt is equal to 3t square plus 2t plus 1. और time को क्या put करना है end में? 1. Put कर देना, 3 into 1, 2 into 1 plus 1. कितना? 6. Point समझ में आ रहा है? तो instantaneous velocity, ये language समझ में आ रही है? Motion के questions हैं सारे. और आखिरी का answer बोलो बस.
जिन्होंने कर लिया, एक थ्री, ओके पहला आंसर थ्री, ओ नहीं एक होगा, एवरेज वेलोसिटी एक ही होगी, एवरेज वैल्यू एक बोलो आंसर, एक आंसर कोई भी चूज कर लो, आखिरी क्वेश्चन का आंसर बोलो, फाइव, ओके फाइव आंसर पहला, फाइव दूसरा, फाइव तीसरा, फाइव चौथा, 2.5, फाइव 2.5, इफ एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, अच्छा आंसर 4 देखता हूं, ओके 2.5, ओके एक सेकेंड दो, अब रुको मेथड देखो, मेथड इंपॉर्टेंट है, उसने कौन सी वेलोसिटी निकालने को कहा, एवरेज, क्या उसने इंस्टेंटेनियस बोला, नहीं बोला, तो आप भूल जाओ आपने प्लस वन में कुछ पढ़ा है, अब वापस 9th-10th में चले जाओ, मुझे कुछ कैलकुलस नहीं चाहिए, क्योंकि एवरेज वेलोसिटीज के लिए हमें कैलकुलस नहीं चाहिए होता, इंस्टेंटेनियस के लिए हमें कैलकुलस चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली इसमें डिफरेंशिएशन तो यूज नहीं करना, कॉमन मिस्टेक, लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लेंगे, डीएस बाय, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी होती है, और वो मुझे ठीक, तो इमेजिन करो ये कार मूव कर रही है एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एस की वैल्यू कितनी है, 1 पुट करो तो क्या आएगा, 1 + 1 2 मीटर है, और उसी तरीके से टाइम टी इज इक्वल टू कितना, 3 सेकेंड पुट करोगे तो आंसर क्या आ रहा है इसमें, 3 × 9 + 3 = 12, तो एक तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे x उसने कंफ्यूज करने के लिए x की जगह s दे दिया, मैंने बोला था ना